माइग्रेन सर से संबंधित बीमारी है। इसमें आधे सर में दर्द होता है। ये पीड़ा इतनी कष्टकारी होती है कि जब भी इसका दर्द उठता है तो कुछ सुझाई नहीं देता कि क्या करें और क्या ना करें। इसकी पीड़ा इतनी खतरनाक होती है कि आंखों से आंसू निकल आता है। दरअसल दो दशक में सबसे ज्यादा जिस बीमारी ने हमें घेर रखा है वो है आधे सिर का दर्द। जी हाँ, स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर और डेस्क पर लगातार काम करते हुए आधे सिर में दर्द की परेशानी से हम गिर जाते हैं। सबसे पहले हम अपनाते हैं पेन किलर टेबलेट का विकल्प। थोड़ी देर में आराम तो मिल जाता है लेकिन स्थायी तौर पर यह समस्या से हमें निजात नहीं मिल पाती। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही आप हल निकालना चाहते हैं तो आप ही कोई परमानेंट समाधान बताएं, तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इसका परमानेंट इलाज है बादाम। जी हाँ, काली मिर्च, बादाम और दूध करेगा करामात। बादाम के साथ गिरियां शाम को भिगोकर रख दें, सुबह इसका छिलका उतार लें और सफेद गिरी को अच्छे से पीस लें। यदि आंखें कमजोर रहती हैं तो 4 काली मिर्च भी इसके साथ पीस सकते हैं। इस मिश्रण को 250 ग्राम दूध में मिला दें और इसे अच्छे से उबालें। 4 उबाल आने पर इसमें 1 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच चीनी डालें। ठंडा होने पर इसे पिएं। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आधे सिर के दर्द से छुटकारा भी मिल जाएगा। दूध का लगातार आपको सेवन करना है इस मिश्रण के साथ। जी हाँ, अब अगले के मिश्रण पे आते हैं तो आपको बता दें कि हजम करने के लिए ये जरूरी है। बादाम को बारीक पीसना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे अगर खूब चबाकर मलाई की तरह कोमल बनाकर खाएं तो फायदा मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आपको इसे बारीक पीसना पड़ेगा। इससे बादाम आसानी से हजम हो जाने पर आपके शरीर में पूरा लाभ पहुंचाएगा। जरूरी नहीं है कि 7 से 8 गिरियों को ही आप सेवन करें, कम बादाम भी असरकार होते हैं। तो माइग्रेन की अगर आप समस्या से पीड़ित हैं तो आप बादाम का इस्तेमाल करें, आपको राहत मिलेगी। क्यूरियन हेल्थ टेक्स की रिपोर्ट।